सुप्रभात स्नेही स्वजन, कैसे हैं आप परिवारजन। आशा है कि सभी स्वस्थ एवं रुचिपूर्ण कार्यों में व्यस्त होंगे। साथियों, आज हम जिस पौधे के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे वो है जामियो कुलकस फोलिया या जीजी प्लांट। इसे जूजू प्लांट, इटर्निटी प्लांट, जंजी बार, जेम प्लांट, एमराल्ड पाम आदि नामों से जाना जाता है। यह अरेसिया परिवार का सदस्य है। ईस्ट अफ्रीकन ओरिजन का यह ट्रॉपिकल पेरेनियल प्लांट है जो सदा हरा भरा रहने वाला, कम से कम देखभाल में अच्छे से ग्रो होने वाला, घरेलू हानिकारक कार्बनिक रसायनों को अवशोषित कर वायु को शुद्ध करने वाला, मोम से हरे मनमोहक पत्तों की आभा लिए हुए एक बेहतरीन इंडोर प्लांट है जो धीरे धीरे अपना विकास करता रहता है। इसे पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह राइजोम से ग्रो होने वाला प्लांट है जिसमें पहले से ही काफ़ी मात्रा में जल संग्रहित रहता है। आइए अब हम इसे रिपोर्ट करते हैं। इसके लिए हमने 50% रिवर सैंड, 20% गार्डन सॉइल, 20% वीट हस्क और 10% इसमें हमने काउडंग मैन्यूअर लिया है। इसमें हम 1 चम्मच बोन मील और 1 मुट्ठी नीम खली भी मिलाएंगे। यह हमारा वेल ड्रेन सॉइल रहेगा। इसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा क्योंकि हमारा यह पौधा ज़्यादा पानी की वजह से ही मर जाता है। इसी बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। आइए अब हम इसे रिपोर्ट करते हैं। पौधे की साइज के अनुसार ही हमें पॉट लेना है क्योंकि ज़्यादा बड़ा पॉट ज़्यादा समय तक मॉइस्चर होल्ड करेगा जो कि हमारे पौधे के लिए हानिकारक है। इसके ड्रेनेज होल को हमने अच्छी तरह से बजरी व नारियल की जटाओं से अच्छी तरह से कवर कर दिया है ताकि आसानी से पानी निकल जावे। इस पौधे को हम सेपरेट कर रहे हैं। इस प्लांट से हमें 3 अलग अलग पौधे मिले हैं और भी एक और प्लांट है। इस तरह हम 4 प्लांट रिपोर्ट करेंगे। अब हम हमारे पौधे थोड़ी सी मिट्टी रखकर इस पौधे को लगाते हैं। चारों तरफ से हमें एक जैसी मिट्टी रखना है। अब हम इसे फिल करते हैं। चारों तरफ से हमें इसे एक जैसा फिल करना है, अच्छे से दबा दबा कर। इस पौधे को ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, अतः हम 6 माह में एक बार ही इसे संतुलित मात्रा में NPK 20-20 देवें तो ही यह पूरे साल भर तक अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। साथियों, अब हमारे प्लांट लग चुके हैं। हमने इसे वाटरिंग कर दी है। अब हम इसे तभी वाटर देंगे जब इसकी पूरी सॉइल ड्राई हो जाएगी। साथियों, यह एक बहुत ही कम देखभाल वाला प्लांट है। बिना पानी के यह 4 महीने तक जीवित रह सकता है, तभी यह एक मेंटेनेंस फ्री प्लांट है। महीने में एक बार ही इसे पानी दें, वो भी पूरी सॉइल सूख जाने पर, तभी यह बेहतरीन ग्रोथ करेगा क्योंकि यह प्लांट सिर्फ ज़्यादा पानी देने की वजह से ही मर जाता है। इसके तने और पत्तियों और इसके राइजोम में पहले से ही काफ़ी जल संग्रहित रहता है। यह एक छाया पसंद पौधा है इसलिए इसे हमेशा छाँव में ही रखें, अतः सीधी धूप से इसके पत्ते मोम की तरह जलने लगते हैं, अर्थात पीले पड़कर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। इनडायरेक्ट सनलाइट में यह बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है, मगर आर्टिफिशियल लाइट में यह सर्वाइव तो करता है मगर ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो जाता है। वैसे भी यह एक स्लो ग्रोइंग प्लांट है। पॉट में यह सामान्यतः 2 फीट तक बढ़ जाता है मगर इसे 2-3 साल लग जाते हैं। 15 डिग्री से कम तापमान पर इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पत्ते भी झड़ने लगते हैं। 18 से 26 डिग्री सेल्सियस इसकी बेहतरीन ग्रोथ हेतु आदर्श तापमान है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा होने के कारण इसे गर्म एवं नमी युक्त वातावरण पसंद है। शुष्क वातावरण में भी यह अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। यह वातावरण से बेंजीन, टाइलिन, जाइलिन
आदि हानिकारक कार्बनिक रसायनों को अवशोषित करके घरेलू आंतरिक वातावरण की वायु को शुद्ध करता है। हम अधिकांशतः घर पर ही रहते हैं, अतः इस प्लांट को लगाने से हमारे घर की वायु की गुणवत्ता में अवश्य ही सुधार आएगा, जिससे मानव मस्तिष्क के कार्यों जैसे सीखना, सोचना, तर्क करना, ध्यान देना, समाधान निर्णय लेना आदि में अभूतपूर्व सुधार आएगा। आपके कार्यालय में एक अद्भुत टेबल टॉप के रूप में यह बेहतरीन विकल्प है, जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है। यह एक फेंगशुई प्लांट भी है, जिसे घर के दक्षिण पूर्व कोने में रखने से एक सकारात्मक ऊर्जा का संचरण निरंतर आपके निवास पर होता रहेगा। यह पौधा एसिड चया पचय का अनुसरण करता है, जो कि एक विशेष प्रकार की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने की क्षमता के कारण सूर्य अस्त होने के बाद भी यह कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करता रहता है। इसलिए यह बेडरूम में रखने के लिए एक बेहतरीन प्लांट के रूप में विकल्प है। बच्चों एवं पालतू जानवरों को इस प्लांट से दूर ही रखें, क्योंकि इसके सभी भाग जहरीले होते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उचित व ज्ञानवर्धक लगी होगी। अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका आत्मीय आभार।